हेलो गाइस, दिस इज़ योर फ्रेंड W360 प्लेयर। आज हम लोग दोबारा से आ गए हैं माइनक्राफ्ट को खेलने के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हो, लास्ट टाइम हम लोग एक सफ़र पे गए थे, बहुत 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 बड़ा सफ़र पे, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे लैंडफॉर्म डिस्कवर किए। और फाइनली एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग को एक लैंडफॉर्म मिला जहाँ पे बैम्बू था और बहुत अजीब सा, बहुत हरा भरा जंगल मिला मुझे। वहाँ से हम लोग ने दो तोता को टेम किया, सबसे ज़रूरी बात, ठीक ना। तो वो दोनों तोता उस समय हम लोग को शो नहीं हो रहे थे, बाद में मैंने गेम बंद किया, देन उसके बाद दोबारा ऑन किया तो फिर वो शो होने लगे। मीन्स कि ये मतलब मेरा प्रोसेसर का गलती था, प्रोसेसर की वजह से नहीं शो हो रहा था। आप लोग अगर देखना चाहते हो तो चलो मेरे साथ, अब नीचे यही कासल में इन लोगों को बैठा के रखा हूँ, जस्ट जो हमारा थ्रोन है ना उसके सामने रख बैठा हुआ है। आप लोग देख सकते हो गाइस, ये रहे दोनों तोते, इधर देखो मीठू मीठू इधर। तो गाइस आप देख सकते हो कैसे लग रहे हैं इन लोग, और ये थ्रोन के पास भी इन लोग बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा पूरा गोल्डन थ्रोन है, उसके सामने ये दोनों रेड रेड अच्छा लग रहे हैं, कॉम्बिनेशन अच्छा जा रहा है। ये रहा तोता लोग दोनों, तो इन लोग यही कासल में अभी रहेगा, और इन लोग के लिए अब कोई जगह तो अभी नहीं सोचा हूँ फिलहाल, अगर कोई जगह अच्छा सा मिलता है तो फिर सोचा जाएगा। और हाँ गाइज, मैंने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था उस समय, जो लास्ट में वीडियो बना रहा था, वीडियो को दोबारा मैंने देखा बढ़िया से, तो एक जगह गाइज मैंने छोड़ दिया था। वो वहाँ पे मुझे मिला था एक ये डेजर्ट टेम्पल या ऐसे कुछ, मतलब पिरामिड टाइप का। और ये बाकी आप लोग पेड़ देख सकते हो गाइस, जो जो सैंपल लाया था मैंने यहाँ पे लगा दिया है, वो अच्छे खासे बड़े भी हो गए, तो यहीं पे तोता लोग को रखेंगे अगर हुआ तो, अभी तो फिलहाल उन लोग को वहीं पे बैठने देते हैं। वो जो दो वो जो टेम्पल का मैं बात कर रहा हूँ, वो मुझे वीडियो में देखा था, अब मैं उस समय नहीं जान रहा था उस चीज़ के बारे में, मुझे बाद में पता चला कि अरे यार वो तो टेम्पल है। उस टेम्पल की खोज में हम लोग चलेंगे आज, आज हम लोग का यही है कि उस टेम्पल के लिए चलेंगे। तो खाना वाना तो भर के एकदम पूरा दबा के रखे हुए हैं, खाना की कोई कमी नहीं जाएगी, मगर उससे पहले हम लोग गाइस से एक मैप बना लेते हैं, ऐसे ही नॉर्मल सा मैप बना लेते हैं, और ये उसके लिए कंपास की ज़रूरत पड़ेगी और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। पेपर तो हम लोग के पास बहुत सारा पड़ा है गाइस, ये तो पूरा स्टैक है, स्टैक पड़ा हुआ है इतना, मतलब अभी भी गाइस वहाँ पे बड़ा होगा, तो जब भी ये वीडियो एंड होगा तो उस समय ये सारे जाके कल्टीवेट करेंगे। मुझे दो कंपास की ज़रूरत है, दो कंपास मैं ले लिया यहाँ से, और मुझे एक एम्प्टी मैप बनाना है। ये रहा एम्प्टी मैप। अब इस एम्प्टी मैप को अगर मुझे बड़ा करना है तो इसके किनारे किनारे हम लोग को ये पेपर रख देना है। ये एम्प्टी मैप शायद से बड़ा हो जाता है, बट एम्प्टी मैप को बड़ा करने का तो तरीका यही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे और नहीं बनाना है। ओके गाइस, इस एम्प्टी मैप के साथ हम लोग को सबसे पहले एक कार्टोग्राफर टेबल बनाना पड़ेगा। कार्टोग्राफर टेबल के लिए रेसिपी होती है चार गो प्लैंक चाहिए और दो पेपर चाहिए। ये चीज़ तो हो जाएगा, प्लैंक तो यहाँ से इनफ है मेरे पास, प्लैंक की कोई दिक्कत नहीं है, पेपर भी है, तो एक कार्टोग्राफर टेबल बनाना है। ये रहा कार्टोग्राफर टेबल, ये कार्टोग्राफर टेबल हम लोग ने बना लिया। ये कार्टोग्राफर टेबल मैं बाहर में रख देता हूँ, किसी ना किसी को जॉब मिल जाएगा, और क्या, सबसे बेहतर यही रहेगा, अंदर रखने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो तुम लोग अगर इन द फ्यूचर अगर प्लानिंग कुछ कर रहे हो तो तुम लोग के लिए यहाँ पे पहले से मैं जॉब कर देता हूँ। ये रहा जॉब। यहाँ पे आई होप सो ये रखना रहता है, एम्प्टी मैप मैंने रख दिया, और यहाँ पे शायद से मेरे को पेपर रखना पड़ेगा ना। ये देन एम्प्टी मैप को जो भी लोकेशन को आपको सेंटर रखना है ना, उस लोकेशन पे करना है। मैं ये लोकेशन को रखना चाहता हूँ सेंटर, तो गाइस ये रहा हमारा सेंटर। अब इस मैप को हम लोग को बड़ा करना है गाइस, बगल में देख सकते हो कासल है, कासल भी हो जाएगा। तो अब इस मैप को खाली हम लोग को बड़ा करना है, तो
इस मैप को शायद सेंटर में रखते हैं और देन इसके बाद इसके किनारे किनारे करते हैं तो ये लार्ज मैप बन गया, ठीक है। देन इसको एक बार और रखेंगे तो और बड़ा हो गया, इसको और रखेंगे और बड़ा हो गया, इसको और रखेंगे तो और बड़ा हो जाएगा ऐसे। तो ये देखिए गाइस, ये बड़ा मैप हो चुका है और इसको अगर और हम लोग चाहें बड़ा, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। स्केलिंग लेवल 404, मतलब गाइस अब इससे बड़ा और नहीं हो सकता है, ये इनफ साइज है, आई होप सो। एक बार और चेक कर लेते हैं, और पेपर है अंदर, अंदर से पेपर निकाल लेते हैं। ये रहा हम लोग के पास पेपर, पेपर की कमी है नहीं, तो पेपर 58 हो गया। इसको क्राफ्टिंग टेबल में पहले, सबसे पहले देखते हैं क्राफ्टिंग टेबल में रखो, देन उसके बाद इसको घेरते हैं। तो अब इससे बड़ा नहीं हो सकता गाइस, इतना ही बड़ा हो सकता है। तो हम लोग के पास सबसे मैक्सिमम हो चुका है सबसे बड़ा मैप। सो ये छोटा सा जो डॉट हम लोग को नज़र आ रहा है, इसी डॉट में हम लोग लोकेटेड हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि अब हम लोग को खोजने के लिए जाना है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने गौर नहीं किया था उस जगह पे, वहाँ पे एक टेंपल है, डिजर्ट टेंपल। सो उस टेंपल को हम लोग को डिस्कवर करने जाता है, जाना है। वहाँ पे बहुत सारा चीज़ मिलता है गाइस, मैंने सुना है। तो चलिए अब बिना कुछ देरी के उस जगह पे हम लोग तुरंत चलते हैं। सो घोड़ा है मेरा, तो घोड़ा ही से लेके चलेंगे, और क्या पैदल थोड़े जाएंगे गाइस। ऐसे भी घोड़ा तो कुछ समय तक जाएगा, उसके बाद फिर समुंदर है तो समुंदर को पार करना पड़ेगा, तो इन लोग ऐसे भी काम नहीं आएगा, मगर जो इतना भी काम आएगा तो ना। चलो अब शांति से इसको बंद करो, इसको बंद करो। सो गाइज, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं वो डिजर्ट लोकेशन पे, और वहाँ से जो जो चीज़ हम लोग को मिलता है वो सारे चीज़ें उठा के ले आएंगे। सो अब हम लोग चल रहे हैं जल्दी जल्दी से। अब वो गाइज अच्छा खासा दूर है, तो हो सकता है टाइम लगे। पहले हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा, वो पूरा स्नोई लैंड है, स्नोई लैंड के पास जाओ, देन उसके बाद स्नोई लैंड से हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, तो फिर एक कैसे ही खुला इलाका मिलेगा इसी टाइप का, ग्रास से, ग्रास मतलब रहता है वहाँ पे। और फिर आगे जाएंगे तो, अरे भाई तुम मुझे नीचे डुबा दिया है, अभी कहाँ गया पगला, ए पगला उधर थोड़ा जाना है। इसको इसको लीड, अच्छा किया लीड रख लिया हूँ मैं। अरे यार आयरन लेके घूम रहा हूँ यार, हद है हद है। इसको रुको, आयरन गाइस रख के आता हूँ, वे मतलब आयरन लेके क्यों जाऊँ, वहाँ पे अच्छा खासा सामान मिल गया ना, तो फिर मैं कैसे लेके आऊँगा। तो इसको इधर तैरने देते हैं, और सबसे पहले हम लोग जल्दी से ये सामान रख के आते हैं। इन्वेंट्री पूरा मेरा खाली होना चाहिए, तभी ना ज़्यादा का ज़्यादा, जितना ज़्यादा सामान मिलेगा वहाँ से उठा के ले आएंगे। और गाइस वहीं पे एक गांव भी था, तो गांव को तो मैं बाद में जाके लूट लिया था, मगर वो जो टेंपल था, वो टेंपल तो गाइस उसका एक अलग वीडियो बन सकता है। सो इसी के लिए मैंने उसको कुछ नहीं किया, वैसे के वैसे छोड़ दिया। और मैं वीडियो मतलब ऐसे ही चल रहा था, मुझे पता नहीं था कि वो कुछ है टेंपल टाइप का है, ऐसे ही उठा हुआ था, मुझे ऐसे ही नॉर्मल सा लगा, तो मैं सोचा कि यार कुछ नहीं ऐसा ही होगा। अभी इन लोग को यहीं पे रखता हूँ, इसको यहाँ रख दो, और फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। और हाँ एक गाइस पिकेक्स बना लेना चाहिए, पिकेक्स और एक्स, तो पिकेक्स और एक्स बना लेता हूँ। घोड़ा मेरा वहीं पे है, तो घोड़ा को कोई दिक्कत नहीं है। और ये गंदी आवाज़ निकालने वाली ज़ॉम्बी, इन लोग सब है, तो इन लोग को अपना आवाज़ निकाल ले दो, इन लोग को कोई दिक्कत है नहीं। अब मेरे पास शायद वेपन्स में होंगे, वेपनरी में होंगे। भाई तुम लोग सब हटो यार, तुम लोग सब हटो। तो मुझे एक पिकेक्स चाहिए और एक एक्स चाहिए, एक्स उसका हेल्थ सही है भाई, शार्पनेस सही है, सिल्क टच, सिल्क टच इस पर लगा हुआ है, और इस आयरन वाला, आयरन वाला ये वाला हम ले लेते हैं। बस गाइस इतना हो गया, एक्स हो गया और हम लोग के पास पिकेक्स हो गया, तो ये दोनों इतना ही इनफ है। सो अब जल्दी से चलते हैं घोड़ा के पास, और देन उसके बाद हम लोग वहाँ से अपना सफ़र शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लंबा जाने वाला है ये गाइस, क्योंकि मेरा एक अलग जो आप वीडियो इससे पहले देखे हैं वो कितना एक घंटा से ऊपर का है, और डिस्कवर करते करते कहाँ कहाँ भटकते भटकते वहाँ पे पहुँचा था। सो इसमें भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा, और मैं ऐसे कूद कूद कर चल रहा हूँ कि थोड़ा जल्दी फास्ट चल पाऊँगा, तो इसलिए कूद कूद कर चल रहा हूँ। और मेरा घोड़ा शायद से यहाँ पे तो नहीं है, उधर ही होगा, दिख रहा नहीं है मगर मुझे,
सूरज भी डूबने वाला है गाइस, इसलिए अच्छा किया मैंने बैट रख लिया। पानी में है, पानी में खेल रहा। छप छप छप, चल आ जा इधर, आ जा 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 आ जा पास में आ जा। तो गाइस अब इस पे बैठते हैं। देखिए गाइस, ये पूरा लोकेशन डिस्कवर होते जा रहा है, आप लोग मैप में देख सकते हो। ऐसा करके कर पूरा ये मैप को ग्रीन कर दूंगा मैं गाइस, पूरा डिस्कवर करते करते। आप नेक्स्ट वीडियो में देखना, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये पूरा मैप दिखलाऊंगा मैं, मेरा पूरा डिस्कवर्ड रहेगा ये रीजन। सब ऐसे करते करते हम लोग जाने वाले हैं, और ये धीरे धीरे मैप पे लोड होते जाएगा, और देन इस पे सारे सामान आते जाएंगे। सो ये तो टाइम लगेगा गाइस, हम लोग को यहाँ से जाने में अच्छा खासा टाइम लगने वाला है। यहाँ से ठंडा वाला आ जाएगा शुरू। सो गाइस वहीं पे पहुँच के उसके बाद आप लोग से मिलते हैं, ठीक ना। सो यहीं से अब हम लोग चलते हैं गाइस। तो पहुँच चुका हूँ, और ये ज़ॉम्बी सब जल रहे हैं, बढ़िया है। चलो, और ये गाइस मैंने कुछ कुछ है सामान रखने के लिए यहाँ पे स्टोरेज बना लिया है। सो अब हम लोग गाइस फाइनली चलते हैं उस लैंड की तरफ। और प्यार प्यार से, प्यार प्यार से, प्यार प्यार से, और ये हम लोग चलते हैं गाइस। यहाँ पे घोड़ा को बांध दिए हैं कि वो इधर उधर भागे नहीं। सो अब हम लोग जल्दी से वो डिजर्ट रीजन के लिए चलते हैं हम लोग। सो गाइस वहाँ पे एक टेम्पल टाइप का था, तो उसी टेम्पल को हम लोग को एक्सप्लोर करना है, वही उसी को डिजर्ट टेम्पल कहते हैं, आप लोग देखिएगा। और गाइस ये जो नीचे में ये जो कैल्प सब है, इतना सारे अजीब व गरीब, तो इन लोग को क्या बोलते हैं आप लोग ने अभी तक बताया नहीं। ये कोई एक नया लैंडफॉर्म है क्या, या कुछ ऐसा, मतलब बहुत चमकीला है, रात में भी बहुत चमक रहा था और अभी भी चमक रहा है, इनफैक्ट डे लाइट में भी इतना। तो पता नहीं क्या चीज़ है, आप ही लोग बेहतर जानते हो। अगर आप लोग बढ़िया मतलब माइनक्राफ्ट के प्लेयर हो, मतलब पुराने अच्छा खासा नॉलेजेबल, सो गाइस से बताओ आखिरकार ये कौन सी है, क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं पता है क्या चीज़ है वो। और कलेक्ट हो जा भाई, हो गया। सो हम लोग गए, जैसे जानते हैं आप लोग, ऐसे ही से कुत्ते कुत्ते गए थे। सो ये कुत्ते कुत्ते चलना है, और यहाँ वहाँ से हम लोग निकल गए थे, यहाँ से साइड से हम लोग निकल गए थे, इस चीज़ को नहीं देखे थे गाइस। तो यही है टेम्पल, और ये साइड में भी एक कुछ है ऐसे ही बना हुआ टेम्पल टाइप का। तो कहाँ से, यहीं से खोदे क्या? पिकेक्स तो लाए हैं, पिकेक्स नहीं भूले थे। और ये क्या है भाई, देख सकते हो गाइस, ये जो एक नया जगह आ गया, पूरा का पूरा एग्जाम एकदम से नया। तो ओ गाइस ये ही रहा, और ये क्रीपर हेड वाला, ये मुझे चाहिए, ये चीज मुझे चाहिए, ये सब चाहिए मुझे चाहिए। देते जाओ 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 देते जाओ। और फिर इधर भी है गाइस, सबको तोड़ लेना है। ये सब अच्छा लगता है, क्रीपर वाला हेड वाला जो है ना स्टोन, सब अच्छा लगता है देखने में, और डेकोरेट करने में भी मजा आएगा। और गाइस अगर यहाँ से हम लोग बढ़िया से ध्यान पूर्वक अगर नीचे देखें, तो गाइस वो रहा ट्रैप। सो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग को यहाँ से स्टेयर बनाना पड़ेगा। यहाँ से स्टेयर बनाते हैं, देखते हैं। यहाँ से स्टेयर बनाना सही रहेगा। अरे भाई हाँ, निकलने का भी रास्ता चाहिए। सो यहाँ से स्टेयर बनाते हुए हम लोग उतरते हैं, और ये स्पाइडर चच्ची आवाज कर रही है, पता नहीं कहाँ से, शायद यहीं कहीं आसपास में है, तो उससे पंगा है, लेना होना नहीं है। और गाइस इसको ध्यान से, शवल है ये, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम एकदम ध्यान। सो गाइस अब यहाँ से ध्यान ध्यान से सारे चीज इकट्ठा कर लेना है, और फाइनली सारे इकट्ठा हो गए। अब यहाँ से बस थोड़ा सा नीचे उतरना है, तो उस चीज का भी ध्यान रखते हुए हम लोग उतर जाते हैं। तो इसमें लूर वन मिल गया, वाओ, आयरन हॉर्स को मिला है यार, मत चार चार को डायमंड मिल गया, एक इमरन मिल गया, यार गजब चीज है यार, जगह मस्त है, वाह, चार चार को गोल्ड, एक और हॉर्स आर्मर, इतना सारे स्ट्रिंग, परफेक्ट परफेक्ट।
गाइस देखिए इतना मस्त जगह इसको हम लोग इग्नोर करते हुए चल गए। यहाँ पैटेटो है, सैडल है दोगो, वाह यार दो और हॉर्स को टेम कर लेंगे हम इस हिसाब से। इतना सारा गन पाउडर है और पियर्सिंग 2 मिल गया यार। यार ये तो बहुत लकी चीज है यार, बहुत जगह यार मस्त चीज है, हम इसको कैसे भूल गए थे यार। कैसे 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 कैसे। तो अब यहाँ से हम लोग को निकलना है गाइस, और ये सब चीज को छोड़ देना, क्या चीज को लेकर चलेंगे। सो ये सैंड का यूज करेंगे, सस्ता चीज का। हम लोग गाइस यहाँ से तुरंत निकलते हैं कि यहाँ पे और रहना खतरे से खाली नहीं है। और ये सब कुछ कुछ है सैंपल रख ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है मुझे देखने में। जब तक हेल्थ है तब तक जमा करेंगे ये सब। यार हेल्थ तो अभी अच्छा खासा है इसका, ये सब भी जमा कर लेते हैं। अंदर से खोखला पिरामिड, और वो क्रीपर हेड का मुझे यहाँ पे भी दिखा था जहाँ से हम लोग आए थे। कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे ना, ये रहा क्रीपर हेड का गाइस। और कहीं क्या नहीं, और नहीं है। सो ये सारे कंप्लीटेड। और इधर भी एक जगह है, तो यहाँ पे रोशनी चाहिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे एक रोशनी लगा दिया। यहाँ पे भी एक क्रीपर हेड, सो ये रहा क्रीपर हेड, मुझे चाहिए क्रीपर हेड। और एक ये रहा क्रीपर हेड, हो गया दोनों, दोनों ले लिया। मस्त गाइस, बहुत बढ़िया लूट, बहुत बढ़िया, अभी तक बहुत बढ़िया लूट, मुझे पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा गाइस ये लूट? हमको, हम इस जगह पे आए भी नहीं है इसलिए हमको इसके बारे में पता भी नहीं था। हम वीडियो देखे, हम मुझे एक बंदे ने बताया कि भाई तुम वो चीज़ को छोड़ दिया है, तो हमको तब जाके पता चला कि ओ यार ये क्या, इस चीज़ के बारे में हमको कुछ पता भी नहीं था इसलिए मेरे से छूट गया। तो फाइनली गाइज अब ये जो चीज़ था ये भी हम लोग ले ही लिए। और कुछ खास होता है क्या यहाँ पे आप लोगों को? अगर आप लोगों को और कुछ पता है इस चीज़ के बारे में, टेम्पल में और क्या क्या मिलता है आसपास, तो बताओ गाइज, पूरा सर्च किया जाएगा बढ़िया से। अभी तो यही सब मिल रहा है मुझे। और देखिए गाइज मैं कहाँ से कहाँ निकल गया। ओ वाओ ये चीज़ कहाँ जाके खुल रहा है। सो यहाँ ये सब नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। अगर मैं यहाँ पे मारूँ तो ये, ओ ओ ओ ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सो गाइज हो गया, अब यहाँ से हम लोग को निकलते हैं और चलते हैं। और क्या है यार, और तो कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है यहाँ पे, समुंदर है तो बस नाव फेंको और चलते बनो। सो गाइज अब हम लोग चलते हैं अपने घोड़े के पास। आई होप सो इतना देर तक इधर उधर घूमा हूँ तो मेरा जो लार्ज मैप है वो अपडेट हो चुका होगा, आई होप सो। तो चलिए दे फाइनली पहुँचते हैं, और देन उसके बाद अपना घोड़ा को उठा के फाइनली चल देते हैं। और यहाँ पे भी कुछ है यार, इसको एक्सप्लोर करते रह जाएंगे यार, इतना बड़ा चीज़ है ये। इधर चले क्या, इधर वो रहा मेरा घोड़ा, तो 1 मिनट के लिए मैं आ रहा हूँ गाइस। उसको घोड़ा को उधर ही छोड़ देते हैं, अभी हम लोग इधर चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं इधर क्या है। ओ ये क्या है भाई, ये तो ऐसे ही लैंडफॉर्म थोड़ा सा लग रहा है ऊपर उठा हुआ। और चलते हैं, और चलते हैं, और चलते हैं। वो जगह तो वो क्या है भाई, नहीं, वो कुछ नहीं है, खाली वहम है। और इधर, इधर भी कुछ खास नहीं है। और उधर जंगल है, कुछ अजीब सा आवाज आया, डॉल्फिन गाइस नीचे देखो, को डॉल्फिन है। हाय डॉल्फिन, हाय हाय डॉल्फिन, अरे कहाँ गई, सामने पास। गाइस रात भी होने वाला है और यहाँ पे रोशनी भी है, ये सब रोशनी केल्प का रहता है ना। हाँ केल्पिक होगा, और क्या होगा, केल्पी का होगा रोशनी, या मैग्मा बह रहा है, केल्प का है रोशनी गाइस देख सकते हो, और केल्प, केल्पी का रोशनी है, हमको लगा कुछ और है। सो यहाँ से हम लोग का खत्म, यहाँ पे कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है गाइस, ये कुछ नहीं है। यहाँ से हम लोग को लौटना चाहिए दोबारा समुद्र में, आ देन उसके बाद उस डायरेक्शन को। सो एक बार
मैप देख ले क्या एक बार मैप देख लेते हैं गाइस, एक बार हम लोग मैप देख लेते हैं। और हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग को कोई नहीं, खाली डॉट में कन्वर्ट हो गए हैं गाइस, तो इसको ऊपर रखो, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। और तुरंत चलते हैं गाइस, अब यहाँ पे वेट करने का कोई मतलब है नहीं। और वहाँ पे हम लोग तुरंत अपना बेड लगाते हैं और सो लेते हैं, क्योंकि रात हो चुकी है और सूरज भी ढल ही चुका है, ढल ही रहा है, धीरे धीरे ढल रहा है, पूरा ढल जाएगा। और ये यार आप लोग गाइस बताओ यार, मेरे को बहुत सच में क्यूरियोसिटी है जानने का कि आखिरकार ये क्या है, नीचे इतना रोशनी किस चीज़ का है, पानी के अंदर वो भी। और जब तक आप लोग नहीं बताओगे तब तक मैं पानी के अंदर जाने वाला भी नहीं हूँ, बताओगे तो जाऊँगा, नहीं बताओगे नहीं जाऊँगा। सो ये रहा घोड़ा मेरा, घोड़ा के पास पहुँच ही गए और चांद भी ऊपर निकल रहा है। और ये तो ऑक्टोपस है, मैं क्यों बे मतलब का डर रहा हूँ, ऑक्टोपस है, सिर्फ ऑक्टोपस है। और ये गाइस ऊपर घोड़ा है मेरा, और यहाँ पे नाव रोक लो, कॉलेक्ट हो जा, हो गया कॉलेक्ट गाइस, और यहाँ बेड लगाओ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है माइनक्राफ्ट में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, अब हम लोग को चलना है सिर्फ ऊपर और घोड़ा के पास चलना है। घोड़ा 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 आ गए तुम्हारे पास, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए। अब चलो हम लोग घर चलते हैं। ओके कहाँ है, आ जा, कहाँ गया लिट तुम्हारा, चल 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 चल। सो गाइस हम लोग को मिल चुका है, और ये सब ज़ॉम्बी सब यहाँ से मर रहे हैं, मरने दीजिए कोई दिक्कत है नहीं, ये कोई बचा है पगला, मार ले मार ले, तुम मार सकते हो मेरे को तो मार ले, हम तेरे को ओपन चैलेंज देते हैं, कि ओपन चैलेंज देते हैं, कंकाल हो चुका है, खाली कंकाल, अब मेरे को मारने आ रहा है भाई। सो अब ध्यान ध्यान से, ध्यान ध्यान से, तो यहाँ से कूद जा, एक बार कूद जा भाई, अंदर पानी के अंदर नहीं जा, ऊपर जा, ऊपर जा। हाँ सो गाइस अब हम लोग को सिर्फ यहाँ से लौटना है, अच्छा खासा लूट मिल चुका है, 9 को मेरे को ये बॉम्ब मिल चुका है, थोड़ा मोड़ा ये जो भी वहाँ का स्टोन था बहुत अच्छा लगा मुझे देखने में, तो इसलिए उन लोग को भी उठा लिया। और फाइनली अब हम लोग चल 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 चल, तू डूबेगा नहीं चल। और फाइनली गाइस अच्छा खासा मेरे को लूट मिल गया, 4 गो, 4 गो है ना डायमंड, कितना है डायमंड, 4 गो डायमंड मिला है, एक एमरल्ड और 2 गो मेरे को बुक मिल चुका है गाइस, और 2 सैडल और 2 मेरे को ये आयरन हॉर्स आर्मर, और क्या मिला, और 2 सैडल, हाँ वो तो बोल चुका हूँ, बस इतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और प्रेसिप्लेट तो कौन नहीं जानता है, बचपन से बनाते आ रहे हैं, मतलब माइनक्राफ्ट का बचपन से बनाते आ रहे हैं प्रेसिप्लेट, बस गलती हो गया, सॉरी घोड़ी मेरी, सॉरी सॉरी। और भैया कैसे हो, लोग सब ऐसे ही काम कर रहे थे नकारा वाला। वाह यार क्या कूदता है, सो गाइस हम लोग जंगल तक तो पहुंच चुके हैं, अब जंगल से हम लोग को होते हुए जाना है एक साफ सुथरा लैंड आएगा, बस वहां साफ सुथरा लैंड तक पहुंचना है। और ये पहाड़ के हम लोग इस साइड से गए थे, तो अगली बार इस साइड से जाएंगे, तो यहाँ हम लोग नीचे जाना है गाइस, और बढ़िया से आ चुके हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ से ऊपर 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 चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल घोड़ा, और ध्यान से यहाँ से ध्यान से उतरेगा, ध्यान से बोले था ध्यान से उतरने के लिए, अगला कूद गया, तेरा गलती मेरी नहीं। और गाइस ये रहा विलेज, इस विलेज को भी मैंने लूट लिया है गाइस, ये लुटाया हुआ विलेज है, इसको कोई नहीं, इसको छोड़ दो, बहुत पहले लूटे थे गाइस, बहुत पहले, जहाँ जब हम स्पॉन हुए थे ना गाइस, उसके जगह से
ये नज़दीक था तब मैं लूटा था। और यहाँ से ऐसे टहलते 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 ये उजाला लैंड मुझे पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सोचा, यहाँ पे घर बनाना नहीं सही समझा था। इसको छोड़ के देन उसके बाद हम लोग ऐसे ही भटकते रहे, भटकती आत्मा की तरह भटकते भटकते वहाँ पे हम लोग पहुँच गए। और वो हरियाली भरियाली वाला जगह देख के मुझे बहुत संतुष्टि हुई, इसलिए मैंने वहाँ पे अपना घर बनाना सही समझा। और फाइनली अब घर के कासल भी है, विला है, बगल में गोदाम है अपना, सब कुछ है गाइस, कोई चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है अपने पास। मैप निकाल लेते हैं हाथ में, मैप भी डिस्कवर होते रहेगा। और आप लोग देख सकते हो ये धीरे धीरे डायगोनली आ रहा है, और ये व्हाइट वाले लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं जहां से हम लोग पहाड़ चढ़े थे, शायद से पहुंच गया चढ़े तो। अरे भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये पहली बार मैंने देखा है यार। रुकिए गाइस, ये क्या है, मुझे चेक करना होगा, ये है क्या, ये कुछ ट्रैप रखने ना है। रुकियो गाइस, वेट, पानी एक बार कहाँ से आ गया भाई, पानी कहाँ से आ गया भाई, कुल ये क्या है, ये रेड टॉर्चेस यहाँ पे कौन रहता है भाई, उसका बेड है जो भी रहता है उसका, मैंने बेड ले लिया। और ये शायद से कारपेट है, हाँ कारपेट है, कारपेट तो अभी तक मैं नहीं बनाया हूँ गाइस, रख लो, कुछ नहीं से तो कुछ तो बेहतर, रख लो रख लो रख लो, आजा आजा फिर मैं, और शायद से मेरा भूल हो गया, तो इसको हटा फेंको, इसको नहीं ज़रूरत है, इज्जत से आ जाओ तुम अंदर, और इसको की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा घोड़ा कहाँ गया, आ जा चल घोड़ा। और फिर से हम लोग मैप निकाल लेते हैं, तो मैप के हिसाब से हम लोग को किधर जाना है, इधर ही जाना है क्या, ओ गलत, इधर जाना है। अरे पगला घोड़ा, कूदने के लिए किसने कहा है तेरे को, है पागल, लोल लमाओ, अब गाइस थोड़ा थोड़ा देख रहे हो अपलोड लोड हो रहा है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके लोड हो रहा है। हम लोग नजदीक ही है, इसका मतलब प्यार से उतरना, देख पगला के मत कूद, उतरना कूद जाना यहाँ से, ठीक है ध्यान से। तो हम लोग को ये डायरेक्शन रखना है गाइस, तभी हम लोग कासल के पास पहुंचेंगे। और देख सकते हो वहां पे कितना छोटा सा मेरा कासल को दिखला रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो अपने पास छोटा ही लैंड है, उसको भी बड़ा कर लिया जाएगा। अभी कासल बना है, उसके बाद आसपास में बहुत सारे चीज़ अभी बनाना बाकी है गाइस, ट्रेडिंग हॉल बनाएंगे, शुगर कैन फार्म बनाएंगे, और भी बहुत सारा चीज़ें जो जो माइनक्राफ्ट में ज़रूरी है, सब चीज़ बनाएंगे अपना, सब चीज़ बनाएगा तुम्हारा भाई। हम लोग शायद से पहुंच ही गए, ये जंगल जाना पहचाना है, उधर साइड में बच गया, और यहाँ पे लावा बह रहा है, सो लावा से ध्यान, लावा से बच के बच्चा, लावा से बच के, यहाँ से बच के, हाँ बच के बच के बच के बच के, निकलते जाओ निकलते जाओ, ऐसे ही निकलते जाओ, बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त तरह से निकल रहा, निकलते जाओ निकलते जाओ निकलते जाओ। ओ शायद से लकड़ी से लगा गाइस, लकड़ी से लगा है, हमको लगा कि कोई मारा है, लकड़ी से लगा है। सो गाइस ये रहा मेरा मैप, जो कि इतना लोड हो चुका है, इतना तो लोड हो ही चुका था, उससे मैं भी लोड हो चुका था गाइस। और पहुंच ही गए हम लोग कासल के बहुत करीब हैं गाइस, और मेरे के हो गया एक्सप्लोरेशन भी पूरे पूरा डेजर्ट लैंड का। अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन एक्सप्लोरेशन के लिए निकला, अगर उस दिन नहीं निकलता तो मुझे ये चीज़ के बारे में भी नहीं पता चलता। यहाँ पे इतना घोड़ा का स्पेस ही है, प्लस उधर लामा है, अरे यार कोई चीज़ की कमी ही नहीं है, बस थोड़ा सा मुझे घूमना पड़ेगा गाइस, और उसके बाद तो हर चीज़ है मेरा आसपास में, हर चीज़ बनाया बनाया हुआ है पहले से माइनक्राफ्ट ने मेरे लिए। वाह यार,
बस थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत थी गाइस, और एक्सप्लोर कर लिया तो इतना सारा चीज़ मुझे पता चल गया। एक तरफ विलेजर है, एक तरफ है ये ठंडा वाला मौसम है, और उधर ही ये एक बहुत बड़ा समुंदर भी है, और ये रहा एक छोटा सा केव टाइप का है कुछ। चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा चढ़ जा, इधर भी चढ़ जाएगा, इधर तो आराम है। सो गाइस हम लोग पहुंच गए अपने कासल की तरफ, और बस पहुंच ही गए, थोड़ा सा और सफर बचा हुआ है, और हम लोग बस अपने कासल के पास बगल वाले बिला में हम लोग का रहता है ये घोड़ा, तो इसको यहाँ पे पार्क कर देंगे, आई मीन स्टबल में डाल देंगे, इसके स्टबल में ये आराम से शांति से रहेगा पड़ा हुआ। और ये रहा किस, कौन सा है भाई तेरा स्टबल, ये वाला है ना, चल अंदर, और रहे यहाँ पे। हाँ तेरा कहाँ गया, वो लीड कहाँ गया भाई, लीड ये रहा, तो मैप को ऊपर डालो और देख इधर उधर बाहर निकल जाता है घूमने के लिए पगला, आ इधर शांति से रहा अपने साथी के साथ, समझा मस्त। सो गाइस फाइनली हो चुका है रात, और हमको सो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारे डरावने डरावने अजीब से वाहियात आवाज़ निकालने वाले सब आ जाते हैं, जैसे जोम्बी हो गया, क्रीपर सबसे ज़्यादा वाहियात जानवर हैं इसमें का, या जो भी है मॉब कह लीजिए। तो हाँ अंदर में तो कोई दिक्कत है नहीं। सो गाइस आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय। अगर ये आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और गाइस ये मेरे इन्वेंटरी आप लोग देख सकते हो कितना कितना सारा फ़ायदा हुआ है। सो ये सब चीज़ किस में लगता है, ये चीज़ के बारे में आप लोग कमेंट करिए। एक मुझे ल्यूर 1 मिला है, एक प्रिसाइज 2 मिला है, और हम लोग ने मैप बना लिया, एक कंपास बना चुका है सस्ता सा, कोई दिक्कत नहीं है, और 2 सैडल मिल चुका है मुझे, और ये मिला है मुझे क्या बोलते हैं हॉर्स आर्मर, वो भी आयरन का, एगो ये है, एक दो मिल चुका है गाइस। तो यार ले देके बहुत बढ़िया जगह था। सो थैंक यू जिसने भी मेरे को कमेंट करके बताया था, उसके लिए थैंक यू सो मच यार, मतलब तुम बताते नहीं ना तो हमको पता भी नहीं चलता, हम समझ रहे थे कि यार मेरा एक्सप्लोरेशन खाली यही 2 तोता से कम्प्लीट हो जाता मेरा। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे एंड करते हैं अपना वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और कोरोना का दौर तो सेफ रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। W360 प्लेयर इज साइनिंग आउट।